इंडिया में पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और 2021 में तो कहीं कहीं पे पेट्रोल के प्राइसेस ने 100 का आंकड़ा भी पार कर लिया है। दुनिया के बाकी हिस्सों में पेट्रोल की प्राइसेस इंडिया से कम है, लेकिन इंडिया में इतना ज्यादा प्राइस क्यों है? पेट्रोल प्राइसेस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ। उसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि प्रोपेगेंडा क्या है और रियलिटी क्या है। जय श्री राम आप सभी को। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडिया में पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। इन सभी चीजों को समझने के लिए आपको चीजों को स्टार्टिंग से समझना होगा। तो चलिए सबसे स्टार्टिंग से बात करते हैं, पेट्रोल आखिर आता कहां से है। पेट्रोल एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि क्रूड ऑयल से बनता है। पेट्रोल को बनाने के लिए सबसे पहले क्रूड ऑयल को विदेशों से खरीदा जाता है। विदेशों से क्रूड ऑयल को खरीदने के बाद उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगते हैं। क्रूड ऑयल को इंडिया लाने के बाद उसे रिफाइनरी में भेजा जाता है, जहां पे उसे रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करने के बाद ही वहां से ढेर सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जो कि केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे अपना टैक्स लगाती है और उस टैक्स को ऐड करने के बाद वहां से उसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में भेजा जाता है और वहां के जो डीलर्स होते हैं वो भी अपना कमीशन लेते हैं और उन कमीशन के लेने के बाद वहां से जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो उस पर अपना टैक्स लगाता है, जिसको हम लोग वैट के नाम से जानते हैं। और उस टैक्स को लगाने के बाद वो पेट्रोल आपके पास पहुंचता है। तो यहाँ पे अगर कंक्लूड किया जाए, सबसे पहला जो टैक्स के रूप में जाता है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, दूसरा जाता है कमीशन के तौर पे डीलर्स को, और तीसरा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास वैट के रूप में, जो कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग रेट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स का रेट होता है वो हर जगह सेम होता है, जो फिलहाल अभी 33 रुपए है। तो यहाँ पे अगर क्लासिफाई किया जाए तो दो फैक्टर्स पे पेट्रोल के प्राइसेस डिपेंड करते हैं। पहला आपका हो गया इंटरनेशनल फैक्टर और दूसरा आपका हो गया डोमेस्टिक फैक्टर। इंटरनेशनल फैक्टर्स में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे आपका क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो कितना है, पर बैरल प्राइस अभी कितना पड़ रहा है, जो भी कंट्रीज क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट कर रही हैं उनका जो प्रोडक्शन रेट है वो कितना है और मार्केट में जो डिमांड है वो कितना है। तो चलिए अब डिटेल में जानते हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस इंटरनेशनल फैक्टर्स के कारण कैसे डिपेंड करते हैं। क्रूड ऑयल का जो रेट चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में वो है $65 प्रति बैरल। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं और एक डॉलर में कितने रुपए होते हैं, 72.33 रुपए। और अगर इसे कैलकुलेट किया जाए तो एक लीटर क्रूड ऑयल का जो रेट है वो 29 रुपए के आसपास आता है। अब इस क्रूड ऑयल को, जिसका कि एक लीटर का रेट 29 रुपए पड़ता है, इसको रिफाइन किया जाता है, उसके बाद इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाती है और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाती है वो फिलहाल 33 रुपए है। उसके बाद फिर इस पे डीलर्स के कमीशन होते हैं, फ्राइट चार्जेस होते हैं, उसके बाद इस पे ऐड किया जाता है वैट, जो कि है स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते हैं वो स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे लिया जाए तो महाराष्ट्र में 26 रुपए 2 पैसे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है और अगर उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स ऐड कर दिया जाए और बाकी जो कमीशन होते हैं उनको ऐड कर दिया जाए तो 93 रुपीज के आसपास होता है। तो इस तरीके से जो पेट्रोल का प्राइस है वो कैलकुलेट किया जाता है। और वहीं पे अगर उड़ीसा की बात की जाए तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ 20 रुपए टैक्स लेती है और 20 रुपए में अगर 33 रुपए मिलाए जाए और कुछ और जो कमीशन होते हैं उनको मिलाया जाए तो वहां का जो टोटल पेट्रोल का रेट होता है वो 87 रुपए के आसपास आता है। तो इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते हैं उसको ऐड करने के बाद हर एक स्टेट गवर्नमेंट का जो पेट्रोल का प्राइस होता है वो वैरी करता है। इंटरनेशनल फैक्टर्स की अगर बात करें तो जब कोरोना वायरस का पेंडेमिक हुआ था उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ये अनाउंस कर दी है कि हम लोग पेट्रोल के प्राइसेस पे टैक्सेस को इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन क्यों, ऐसी क्या चीज हो गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्सेस को इंक्रीज करना पड़ा, अचानक से इंक्रीज करना पड़ा? कोरोना वायरस के टाइम पे जो पेंडेमिक हुआ था उसके कारण क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो गिरे थे उसके कारण जो कंट्रीज इन सबको बेचते थे उनको लॉस हो रहा था और इन्हीं सभी लॉस से निकलने के लिए उन सभी कंट्रीज ने क्या किया, जो प्रोडक्शन था जो एक्सपोर्ट कर रहे थे क्रूड ऑयल का उसको उन्होंने कम कर दिया, उसको उन्होंने लिमिटेड कर दिया ताकि जो डिमांड है वो और बढ़े और उसके बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े जिसके कारण उनको प्रॉफिट हो। और यही एक पहला फैक्टर है जिसके कारण इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस को इंक्रीज करना पड़ा। अब इंडिया में जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे जो अपोजिशन वाले हैं वो भी बहुत ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ले रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स ले रही है और अगर गवर्नमेंट चाहे तो पेट्रोल के प्राइसेस को वो लोग कम कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं मेघालय और असम की, जहाँ पे की बीजेपी रूलिंग पार्टी में है, एक जगह पे उनके अलायंस है और एक जगह पे वो मेजोरिटी में है। इन दोनों स्टेट ने क्या किया कि अपने वैट को कम कर दिया, यानी अपने स्टेट टैक्स को कम कर दिया, एक जगह पे 5 रुपए कम कर दिए, एक जगह पे 7 रुपए कम कर दिए, ताकि जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं हमारे आपके जैसे,
उन सबको ज्यादा परेशानियां ना झेलनी पड़े और पेट्रोल के दाम उनको ज्यादा ना देने पड़े। और वहीं पे अगर बात की जाए किसी और पार्टी के बारे में, तो पूरे इंडिया में ऐसा एक भी स्टेट नहीं है जहां पे कोई और पार्टी हो और उन्होंने अपने पेट्रोल के प्राइसेस पे वैट को कम किया हो, स्टेट टैक्स को कम किया हो। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा हल्ला कौन मचा रहे हैं? कांग्रेस। महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में कांग्रेस रूलिंग पार्टी है और वहां पे उनका अलायंस शिवसेना के साथ है और वहां पे रेट कितना ज्यादा है? पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा टैक्स महाराष्ट्र लेती है, करीब करीब 27 रुपए के आसपास महाराष्ट्र गवर्नमेंट टैक्स लेते हैं। और अगर राजस्थान में भी देखा जाए जहां पे की कांग्रेस रूलिंग पार्टी है, तो वहां पे भी वैट बहुत ज्यादा अमाउंट में लिए जा रहे हैं और वहां पे भी कहीं कहीं पे पेट्रोल के प्राइसेस 100 से ज्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन एक मिनट, अगर ऑपोजिशन वाले ये चाहते हैं कि वो लोग पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करें और पेट्रोल के प्राइसेस कम हो जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर टैक्स कम नहीं कर रही है, तो आप क्यों नहीं कर देते हैं? मतलब यहाँ पे तो वही बात हो गया कि आप चाहते हो कि पेट्रोल के प्राइसेस कम भी हो जाए, लेकिन आप ये नहीं चाहते हो कि आप टैक्सेस कम कर दो। आप पूरे तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हो कि अगर पेट्रोल के प्राइसेस कम होने हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट करे, मैं क्यों करूं? मतलब आप ये चाहते हो कि लोगों को हेल्प भी मिले, लेकिन आप नहीं करो, सेंट्रल गवर्नमेंट करे और आप उसके ऊपर नाम कमाओ। तो चलिए अब ये बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आखिर टैक्सेस को इंक्रीज क्यों किया। इसके लिए कुछ फैक्टर्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि COVID-19 के जो वैक्सीनेशन में पैसे खर्च हो रहे हैं, उसका जो टोटल बजट है वो 35,000 करोड़ है, और अगर जरूरत पड़ी तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस बजट को बढ़ा भी सकती है। COVID-19 के टाइम पे इंडिया का जो इकोनॉमी था वो कितना ज्यादा डाउन चला गया था, और उसको बूस्ट करने के लिए ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्सेस को इंक्रीज किए। COVID-19 के पैंडेमिक के टाइम पे भी आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनधन अकाउंट होल्डर्स को 500-500 रुपए अकाउंट में आ रहे थे, और अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे तो वो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो चलिए अगर ये मान लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस ले भी रही है, तो वो आखिर खर्च कहाँ पे कर रही है, और साथ ही साथ अगर स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस ले रही है तो वो उन पैसों का कहाँ पे खर्च कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो 33 रुपए एज अ टैक्स लेती है पेट्रोल पे, उसमें से 10 रुपए सेस के रूप में जाते हैं, वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के लिए होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या ये जो पैसे लिए जा रहे हैं हमसे टैक्स के रूप में, क्या वो कहीं पे यूज भी किया जा रहा है, क्या वो इंप्लीमेंट भी हो रहा है। तो यहाँ पे एक हम लोग कंपैरिजन करते हैं कांग्रेस और बीजेपी के गवर्नमेंट ने। 2014 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में रोडवेज का जो डेवलपमेंट रेट था वो हर दिन करीब करीब 11 किलोमीटर के आसपास था, यानी कि हर दिन 11 किलोमीटर के आसपास रोड इंडिया में डेवलप हो रहे थे, बनाए जा रहे थे। और वहीं पे अगर बीजेपी की बात की जाए तो 28 किलोमीटर रोड हर दिन इंडिया में बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोगुना से भी ज्यादा तेजी से रोडवेज बनाए जा रहे हैं, और आगे के आने वाले 2 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्लान है 15,00,000 करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें इन्वेस्ट किया जाए। तो चलिए अब बात करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। बीजेपी के गवर्नमेंट के आने के बाद जो पीएम किसान योजना है उसमें टोटल अभी तक उसमें करीब करीब 58,600 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं, जिसमें कि टोटल 11.5 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट मिला है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्लान है कि आगे आने वाले 10 सालों में किसानों के लिए एग्रीकल्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे टोटल 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, ताकि जितने भी किसान भाई हैं उनको हेल्प मिल सके, उनको फार्मिंग करने में आसानी हो, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज बनाना, मंडी बनाना, मंडियों को मॉडर्नाइज करना, तो इन सब चीजों पे सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करने वाली है। 2014 तक जो हर साल का बजट होता था वो 25,000 से 30,000 करोड़ तक का रहता था, और वहीं पे 2014 के बाद से हर साल का जो बजट है वो करीब करीब वो 1,50,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल कंक्लूड किया जाए तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस क्यों इंक्रीज कर रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस इंक्रीज किए हैं उन सभी पैसों को सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे खर्च कर रही है। मतलब आप जो पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को एज अ टैक्स दे रहे हो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे डाल रही है, कहाँ पे उसको खर्च कर रही है। लेकिन वहीं पे अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई एक एग्जैक्ट ब्यौरा निकल के नहीं आता है, और हम सबको ये मालूम ही नहीं चल पाता है कि स्टेट गवर्नमेंट को जो हम लोग वैट के रूप में टैक्स दे रहे हैं पेट्रोल के ऊपर, वो लोग उस चीज को कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। और आपको अब ये भी समझ में आ गया कि कांग्रेस के टाइम पे कितना टैक्स लिया जाता था और कितना खर्च किया जाता था, और बीजेपी के टाइम पे कितना टैक्स लिया जा रहा है और कितना खर्च किया जा रहा है। अब यहाँ पे आप ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स कम करना चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स कम करना चाहिए। कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस ने 1,50,000 करोड़ का क्रूड ऑयल खरीदा था जिसके पैसे उन्होंने नहीं दिए थे, और उन सभी पैसों को बीजेपी के गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद बीजेपी को देना पड़ा। मान लेते हैं कि दो दोस्त हैं, एक दोस्त जो है वो आपसे 10 रुपए ले रहा है और जो दूसरा दोस्त है वो आपसे 20 रुपए ले रहा है। जो दोस्त आपसे 10 रुपए ले रहा है वो आपको
आपको सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए का हिसाब दे रहा है कि 5 रुपए उसने कहाँ खर्च किए, और जो दोस्त आपसे 20 रुपए ले रहा है वो आपको 20 रुपए का हिसाब दे रहा है कि वो कहाँ कहाँ उन पैसों को उसने खर्च किया। अब यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि कौन आपको गुमराह कर रहा है, जो 10 रुपए आपसे ले रहा है या जो 20 रुपए आपसे ले रहा है। लोग क्या बोलेंगे कि जो 10 रुपए ले रहा है वो तो कम पैसे ले रहा है, जो 20 रुपए ले रहा है वो ज्यादा ले रहा है, इसीलिए जो ज्यादा ले रहा है वो स्कैम कर रहा होगा। लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो 20 रुपए ले रहा है वो आपको हर एक चीज का ब्यौरा दे रहा है, लेकिन जो 10 रुपए ले रहा है वो 10 रुपए के नाम पे सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए खर्च कर रहा है, और जो 5 रुपए है वो कहाँ जा रहे हैं किसी को नहीं मालूम चल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं GDP के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें ऐसे ही वीडियोस और बनाने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो UPI ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं या Patreon पे मेंबर भी बन सकते हैं। UPI ID और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और मेड इन इंडिया सोशल मीडिया कू ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।